हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके एजुकेशन ओडिया। जय जगन्नाथ। आपको पैंतालीस स्वागत जनाऊँ मो यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन ओडिया को। आपूर्व मैथ्र बहुत गुड़ा भिड आम देखी थे, मैथ्र ट्रिक देखी थी, मैथ्र रिल देखी थी, मैथ्र इमेजिंग फैक्ट भी देखी थे। आज आम देखा मैथ्र किसी पहलिया, मैथ्र किसी ढक ढमा जो ओडिया मैथ्र किसी पहलिया जो आशा करूँ निश्चित आपको भल लगे। जो भल लगे निश्चित भाव खुजर लाइक करेंगे, सेयार करेंगे और सब्सक्राइब करने को भूलें। ओके, देखिए आज किसी मैथ पहलिया बहुत इंटरेस्टिंग अच्छे जो आपको बहुत भल लगे। पहले नंबर वन, एक इंग्लिश डिक्शनरी में कौन सा शब्द इनकरेक्टली लिखा हुआ होता है? पहले नंबर वन, एक इंग्लिश डिक्शनरी में कौन सा शब्द इनकरेक्टली लिखा हुआ होता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक ऐसा शब्द है जो डिक्शनरी में लिखा हुआ था है, कैसा इनकरेक्टली लिखा हुआ था है। आंसर क्या होगा? आपके पास पाँच सेकेंड है। 5 4 3 2 1। आंसर होगा इनकरेक्टली। इसका आंसर है इनकरेक्टली, जो डिक्शनरी में इनकरेक्टली लिखा हुआ होता है। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद पहले नंबर टू, वह क्या है जो टूटने के लिए बनता है? वह क्या है जो टूटने के लिए बनता है? आपके पास पाँच सेकंड का टाइम है, बताओ। 5 4 3 2 1। इसका आंसर रिकॉर्ड। ओके, रिकॉर्ड को हम टूटने के लिए बनाते हैं। ओके, इसका आंसर रिकॉर्ड। उसके बाद पहले नंबर थ्री, वह क्या है जो जिसका है सिर्फ वही देख सकता है और सिर्फ एक बार ही देख सकता है, दोबारा नहीं। पहले नंबर थ्री, वह क्या है जो जिसका है सिर्फ वही देख सकता है और सिर्फ एक बार ही देख सकता है, दोबारा नहीं। बताइए, आपके पास पाँच सेकंड है। 5 4 3 2 1। इसका आंसर है सपना। सपना को हम एक बार ही देख सकते हैं, हमारे अलावा और कोई नहीं देख सकता है उसको। वो क्या है? इसका आंसर है सपना। पहले नंबर चार, काली चादर में चावल बंधे, दिन में गायब रात को खुले। पहले नंबर चार, काली चादर में चावल बंधे, दिन में गायब रात को खुले। इसका आंसर क्या होगा बताइए। आपके पास पाँच सेकंड है। 5 4 3 2 1। इसका आंसर क्या होगा? तारे, जो हम रात में दिखाई देते हैं तारे। इसका आंसर है तारे। पहले नंबर फोर, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिए बताएगी। उसके बाद पहले नंबर फाइव, तीन दोस्त थे, उनका नाम हिंदी अंग्रेजी गणित था। वो बाहर घूमने गए, अचानक तीनों का एक्सीडेंट हो गया। तो हिंदी ने कहा मदद करो मदद करो, अंग्रेजी ने कहा हेल्प मी हेल्प मी। तो बताओ गणित ने क्या कहा? पहले नंबर फाइव, तीन दोस्त थे, उनका नाम हिंदी अंग्रेजी गणित था। वो बाहर घूमने गए, अचानक तीनों का एक्सीडेंट हो गया। तो बताओ हिंदी ने कहा मदद करो मदद करो, अंग्रेजी ने कहा हेल्प मी, तो बताओ गणित ने क्या कहा गणित ने क्या कहा? इसका आंसर क्या होगा बताओ। आपके पास पाँच सेकंड है। 5 4 3 2 1। इसका आंसर क्या होगा? हिंदी अंग्रेजी और गणित, वह उन तीनों का नाम है। इसका मतलब ये नहीं कि वह तीनों उसी भाषा में बात करे। हिंदी एक आदमी का नाम है, अंग्रेजी एक आदमी का नाम है, गणित एक आदमी का नाम है, जिन उसका उनका जो मन चाहे वो बात कर सकते हैं। हिंदी ने बोला मदद करो मदद करो, अंग्रेजी ने कहा हेल्प मी, तो गणित ने जोर से चिल्लाया होगा और कहा होगा कि मेरी मदद करो भाई, हेल्प मी या हेल्प मी, उसका मर्जी, क्योंकि उसका नाम गणित है, वो गणित की भाषा में क्यों बोलेगा। ओके, हिंदी अंग्रेजी और गणित, वह उन तीनों का नाम है। इसका मतलब ये नहीं कि वह तीनों उसी भाषा में बात करे। ओके, वीडियोटी भल लगुले निश्चित भाव लाइक करेंगे, सेयार करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करी बताइए। आशा करूँ निश्चित भाव भल लगी। धन्यवाद।